हेलो फ्रॉम भीमास, लेट्स कुक लाइक भीमास एंड मंच लाइक भीमास। तो आज हम बनाते हैं मेरा बहुत ही फेवरेट वाला डिश, वो है कस्टर्ड। सो उसके लिए हम एक हांडी लेंगे और उसमें हाफ लीटर मिल्क डालेंगे। डालने के बाद हम उसे अच्छे से स्टिर करेंगे ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए और नीचे से जले नहीं। फिर जब वो बॉयल हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 कप शुगर। शुगर को ज्यादा मात्रा में ही डालेगा क्योंकि जब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे चिल होने के लिए तब इसकी जो स्वीटनेस है वो कम हो जाएगी। शुगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि वो नीचे से जल ना जाए। इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, इसे स्लो फ्लेम में ही बॉईल करिएगा अच्छे से। फिर हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ 5 टीस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे मैंने चिल्ड दूध में डालकर अच्छे से मिला लिया था। अगर हम इसे गर्म दूध में मिलाएंगे तो अच्छे से वो मिक्स नहीं होगा। इस कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिला लीजिए ताकि उसमें लम्स ना रहे जब हम इसे दूध में डालेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि दूध बॉयल हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने पहले से ही मिक्स करके रखा था दूध में। इसे धीरे धीरे मिलाइएगा ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक वो थोड़ा गाढ़ा ना बन जाए, जैसे मैंने इसमें किया है वैसे ही रहना चाहिए कस्टर्ड। तो इसे अभी हमें 2 मिनट्स के लिए बॉईल करना है, लो फ्लेम पे ही रखना है इसे। बाद में इस कस्टर्ड को साइड में रख लेना है ठंडा होने के लिए। और जब वो ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स। इसमें हम अपनी मर्जी के कोई सा भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एप्पल्स, ग्रेप्स, बनाना एंड पोमोग्रेनेट। तो अभी मैं डाल रही हूँ उसमें कुछ एप्पल पीसेस, फिर पोमोग्रेनेट सीड्स, उसके बाद मैं डालूंगी उसमें ग्रेप्स, और उसके बाद हम डालेंगे बनाना। मैंने फ्रूट्स को थोड़ा बचा के रखा है क्योंकि मैं इसे फिर गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रूट्स ब्लैक कलर में ना आए काटते समय, तो आप एक बाउल में थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं और उसके बाद उन कटी हुई फ्रूट्स को उसमें डाल सकते हैं। ऐसा करने से वो फ्रूट्स ब्लैक कलर में नहीं आएंगी। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और बाद में इसे फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए हमारा ये चिल्ड कस्टर्ड तैयार हो गया है और मैंने इसे फ्रूट्स के साथ गार्निशिंग भी कर लिया है। तो ये देखिए हमारा यम्मी कस्टर्ड। तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। भाई कभी कभी तो मैं गर्म ही खा लेती हूँ। आप इस कस्टर्ड को वेनिला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी वीडियो सबको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भीमास किचन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप ये डिश घर पे ट्राई कर रहे हैं तो उसका पिक्स मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी भीमास किचन पर भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।